हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें गवर्नमेंट जॉब इंडिया चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले, इसी तरह के लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट पाने के लिए सबसे पहले। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड रिक्रूटमेंट के ऊपर। इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल्स बोल दूंगा आप लोगों को, कौन सा पोस्ट है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सैलरी क्या है। आप बस इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS स्टेशनरी बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने कुछ अनाउंसमेंट किया कुछ पोस्ट के लिए। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इज 109 इंक्लूडिंग बैकलॉग वैकेंसीज इन वेरियस डिसिप्लिन एज पर डिटेल्स गिवन बिलो। मैकेनिकल इंजीनियर के लिए टोटल पोस्ट है 21, 10 है अनरिजर्व के लिए, 6 OBC, 3 SC, 2 ST। मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के लिए टोटल वैकेंसी है 10, अनरिजर्व 5, OBC 3, SC 1, ST 1। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए भी आप लोग पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर का पोस्ट है, केमिकल का है, फूड टेक्नोलॉजी का है, माइक्रोबायोलॉजी का है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एंड फाइबर साइंस। टोटल यहाँ पे वैकेंसी 109, अनरिजर्व के लिए 50, OBC के लिए 32, SC के लिए 18 एंड ST के लिए 9। नीचे अगर आप लोग जाओगे तो वहाँ पे देख सकते हो आप, पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। रिजर्वेशन फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लेना। क्वालिफिकेशन चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट इन कंसर्न डिसिप्लिन विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स एग्रीगेट, 50% फॉर SC ST कैंडिडेट। जनरल के लिए 60% मिनिमम मार्क होना चाहिए और SC ST के लिए 50% है। सारे कैटेगरी के जॉब के लिए क्वालिफिकेशन सेम है, सिर्फ माइक्रोबायोलॉजी के लिए मास्टर्स डिग्री चाहिए, मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट विथ नॉट लेस देन 60% और SC ST के लिए 50%। एज लिमिट आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, द कैंडिडेट मस्ट बी बिटवीन 21 to 30 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन 1st March 2018। 21 साल से 30 साल के अंदर होना चाहिए 1st March 2018 तक। रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट SC ST OBC के लिए और एक्स सर्विस मैन और पर्सन हु हैड ऑर्डिनरली बीन डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1st January 1980 to 31st December 1989। पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पे पढ़ लेना। और यहाँ पे देख सकते हो आप, एज रिलैक्सेशन का दिया हुआ है SC ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स है, OBC के लिए 3 ईयर्स, डिसेबिलिटीज के लिए 10 ईयर्स और बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए SC कैटेगरी अगर आता है तो 15 ईयर्स है। ऐसे पूरा डिटेल दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लेना है। यहाँ पे अगर मैं नीचे जाऊँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एज रिलैक्सेशन फॉर एक्स सर्विसमैन, आप लोग डिटेल्स पढ़ लेना। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजियर यहाँ पे देख सकते हो, एलिजिबल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर एन ऑनलाइन एग्जामिनेशन, यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम होगा एज देयर ऑन एक्सपेंस। द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर एट द सेंटर फॉर कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड विल बी इंटरव्यूड फॉर व्हिच ट्रेवलिंग एक्सपेंस अप टू 2nd class ट्रेन फेयर फॉर टू एंड फ्रॉ जर्नीज फॉर फ्रॉम नॉर्मल प्लेस टू प्लेस ऑफ रेसिडेंस, यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लेना। हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे देख सकते हो, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम, आपको अप्लाई ऑनलाइन करना पड़ेगा 16 मार्च 2018 से 2nd April 2018 तक, इसका टाइम लिमिट है इस जॉब का। फीस है आपका यहाँ पे देख सकते हो, फीस भी आपको 16 मार्च से स्टार्ट होगा और 2nd April तक एंडिंग है। 750 rupees नॉन रिफंडेबल है, नो फीस रिक्वायर्ड टू बी पेड। SC ST के लिए कुछ नहीं चाहिए, एक्स सर्विसमैन और डिसेबिलिटीज के लिए वुमेन के लिए कुछ फीस नहीं है, फ्री है। अगर मैं नीचे जाऊँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इंपॉर्टेंट डेट्स दिया हुआ है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है होगा सॉरी हो चुका है 16 मार्च 2018 और एंडिंग है 2nd April 2018 तक। और एप्लीकेशन फीस का भी सेम टाइम लिमिट है, आपको डाउनलोड करना है कॉल लेटर ऑनलाइन एग्जाम के लिए 7th April 2018 को और ऑनलाइन एग्जाम होगा 15th April 2018। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जो है जाके आप लोग पूरा डिटेल्स वगैरह चेक कर सकते हो और अगर आप एलिजिबल हो एंड इंटरेस्टेड हो तो आप अप्लाई भी कर सकते हो।
तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं और एक नया गवर्नमेंट अपडेट के साथ।